शिव ठाकरे और अर्चना गौतम की जोरदार लड़ाई पे अर्चना के एविक्शन पे आया अर्चना गौतम के भाई गुलशन गौतम का रिएक्शन। क्या कुछ कहा अर्चना के भाई गुलशन ने, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कल का एपिसोड काफ़ी इमोशनल था। एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से अर्चना और शिव के बीच झगड़ा हुआ और फिर अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर निकलना पड़ा, ना चाहते हुए भी। अर्चना काफ़ी गिरगिराई, काफ़ी मिन्नतें मांगी, लेकिन फिर भी अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर निकलना पड़ा। अब इन्हीं सब को लेकर अर्चना गौतम के भाई गुलशन ने अपना रिएक्शन दिया है। गुलशन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि अर्चना के साथ बिग बॉस के घर में काफ़ी नाइंसाफी हुई, उन्हें प्रोवोक किया गया है, उन्हें उकसाया गया है, उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया गया है, उन्हें मेंटली हरेस्ट किया गया है। साथ ही गुलशन ये कहते हैं कि शिव और उसकी टीम ने जानबूझकर उकसाया अर्चना को। अर्चना उनसे बार बार कहती थी भाई कुछ भी बोल, उनके पार्टी उनकी दीदी के बारे में कुछ ना बोल, लेकिन फिर भी शिव ने जानबूझकर अर्चना को प्रियंका गांधी के नाम से चिढ़ाया, उनकी पार्टी के नाम से चिढ़ाया, और जिस वजह से अर्चना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। अर्चना के भाई का कहना है कि मैं नहीं मानता कि अर्चना ने उस पर हाथ उठाया हो, अर्चना उसे पीछे कर रही थी और इस वजह से अर्चना के हाथों शिव को धक्का लग गया। गुलशन कहते हैं कि मैं मानता हूँ रियलिटी शो में फिजिकल वॉयलेंस गलत है, अर्चना ने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन बाद में अर्चना शिव के सामने कितना गिरगिराई। अगर शिव अपने ग्रुप के साथ शामिल ना होते तो शायद से एक सेकेंड के लिए शिव अपना पॉइंट से पीछे हट जाते और शिव अर्चना के एविक्शन को बचा पाते। शिव चाहते तो बचा लेते अर्चना को बिग बॉस के घर से बाहर आने से, लेकिन शिव का जो ग्रुप है यानी कि टीना, शालीन और निमृत, इन लोग नहीं चाहते थे कि अर्चना और शिव एक दूसरे से बात करें। अर्चना के भाई का कहना है कि अर्चना काफ़ी स्ट्रांग है, अर्चना का बेबाकी से बोलना, कंटेस्टेंट के साथ झगड़ा करना, अपना मुद्दा रखना, इन सब चीज़ को लेके उन लोग काफ़ी डर गए थे और शिव के प्लानिंग के मुताबिक, शिव के ग्रुप के प्लानिंग के मुताबिक जानबूझकर अर्चना को मेंटल टॉर्चर किया गया, जानबूझकर उसके पार्टी का नाम लिया गया और इन सब को लेकर अर्चना ने रिएक्शन दिया। साथ ही गुलशन का ये भी कहना है कि अर्चना के साथ हुए इंसिडेंट्स को लेकर उनके जितने भी रिलेटिव है सब फ़ोन कर रहे भाई ये क्या हो गया, कैसे हो गया, वगैरह वगैरह। साथ ही गुलशन ये भी कहते हैं कि अर्चना के साथ हुए हादसे को लेकर उसकी मॉम भी काफ़ी इमोशनल हो गई है, काफ़ी रो रही है। गुलशन का कहना है कि उसकी मॉम अर्चना के साथ हुए हादसे को लेकर काफ़ी इमोशनल हो गई। कल रात के एपिसोड के बाद अर्चना की मॉम भी काफ़ी रोई और फिर उनका कहना है कि अर्चना अब तक घर भी नहीं पहुंची है। गुलशन का कहना है कि उन्हें नहीं पता वहाँ क्या चल रहा है और अर्चना अब तक घर नहीं पहुंची है। अर्चना जहाँ भी हो सही सलामत हो और अगर वो शो में वापसी करती है तो अच्छे से अपनी धमाकेदार एंट्री ले और फिर एक बार फिर से बेबाकी से खेले, अपना मुद्दा, अपना पॉइंट एक सही तरीके से रखे। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं अर्चना गौतम के भाई गुलशन गौतम के इन बातों से, कमेंट कर हमें बताएं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं अर्चना गौतम के भाई गुलशन गौतम के इन बातों पे, कमेंट कर हमें बताएं। बिग बॉस 16 के तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल गपशप।